आईएएस को लेकर हमेशा सवाल ये आता है कि आखिर आईएएस की तैयारी करने के लिए सही समय कौन सा होता है, आखिर किस समय पर हमें आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। क्या 12th के बाद अगर हम बीए कर रहे हैं उसके साथ में आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, क्या सही है, या बीए हमारा जब फाइनल ईयर हो उस ईयर से स्टार्ट करें, या जब बीए हमारा फाइनल हो जाए उसके बाद हम स्टार्ट करें। तो आज मैं आपको कुछ हिंट दूंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिर आईएएस की तैयारी करने का सही समय क्या होता है। जैसे कि आप बीए करना चाहते हैं और उसके साथ में आईएएस की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो फिर ये सही है आपका आइडिया। देखिए, आईएएस की तैयारी करने का सही समय वो होता है जिस दिन से आप ये मन में अपने बिठा लेते हैं कि अब आपको आईएएस बनना है और उसी के लिए आगे पढ़ाई करनी है। अब बात ये आती है कि 12th के बाद अगर आप बीए करते हैं और उसके साथ में चाहते हैं कि आईएएस की तैयारी भी कर लूँ तो फिर सही रहेगा। देखिए, बीए के साथ में आप आईएएस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप बीए कर रहे होंगे उस समय कुछ सब्जेक्ट ऐसे लें जो आईएएस के एग्ज़ाम में, चाहे प्री हो या मेंस हो, उसमें पूछा जाता है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और जियोग्राफी हो गया। तो इस टाइप के सब्जेक्ट हैं जिनका आईएएस के एग्ज़ाम में ज़्यादा रोल होता है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो बीए में सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे उनका आईएएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम से सीधा संबंध नहीं होगा। सीधा संबंध का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि उसमें व्याख्या के साथ लिखा होता है। और जबकि आईएएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट नोट तैयार करने होते हैं, जैसे कि कुछ अगर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें कुछ आर्टिकल हैं, कौन से आर्टिकल में क्या है, या कौन सा संविधान का संशोधन कब हुआ था, उसका क्या उद्देश्य था, उसमें क्या क्या प्रावधान हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस बीए का अगर आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा व्याख्यात्मक होगा, जैसे कि पॉलिटिकल की व्याख्या क्या होती है, या राजनीति क्या है, राजनीति को कैसे समझें, जो आपके मेंस एग्ज़ाम में हेल्प करेगा लेकिन प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करेगा। तो इसीलिए आप ऐसा ना मान के बैठ जाएं कि बीए में आपने ये चार सब्जेक्ट ले लिए हैं तो आपकी तैयारी उसी से हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उनकी तैयारी करते हैं तो हाँ, मेंस एग्ज़ाम में वो हेल्पफुल होंगे लेकिन प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सीधा संबंध नहीं होगा। तो इसीलिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आपको कोचिंग सेंटर से नोट्स लेकर या अच्छी बुकों से आप पढ़ाई करनी होगी और उससे ही आपकी तैयारी सही हो पाएगी। ये आइडिया आपका अच्छा रहेगा कि आप बीए के साथ में, मतलब ग्रेजुएशन के साथ में आईएएस की तैयारी करेंगे, क्योंकि फिर आपके जो 3 साल होंगे उन 3 सालों में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जैसे ही ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होगा तो आप वो यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। देखिए, ग्रेजुएशन के साथ में आईएएस की तैयारी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके जो 3 साल होंगे उसी में आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी भी हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप ग्रेजुएशन के साथ में तैयारी करते हैं तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन ग्रेजुएशन में आप वो सब्जेक्ट लें जो आईएएस के एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प करें, मतलब वो सिलेबस आपका कवर हो जाए।